ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਸਾਉਦੀਨ ਵਾਇਸ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਹਤਰਮ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬੋਲਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि देश की माएं आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से क्यों महरूम करके रख दिया। देश का वो ट्रक ड्राइवर जो नौजवान है आपसे सवाल कर रहा है, उसके उसकी आमदनी 2014 से नहीं बढ़ी मगर उसके खर्चे डबल हो गए। देश का वो प्लम्बर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वो दो साल से बेरोजगार है, कोविड-19 से कर्जों में डूब चुका और एक गैस का सिलेंडर भी खरीद नहीं सकता। मोदी सरकार से देश की 50% आबादी जो नौजवानों की है वो उससे सवाल कर रही है कि हम 50% तो हैं मगर 28% बेरोजगार क्यों हैं, आपने हमारा मुखदर बेरोजगार क्यों बना कर रख दिया। वो आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रही हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर बनकर रहें। देश की माएँ आपसे सवाल कर रही है मोदी सरकार से कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को रिफिल नहीं कर सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही हैं। सर वो आज गरीब घरों की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रोसरीज था वो 68% इजाफा क्यों हो गया, मोदी सरकार को उसकी खबर है या नहीं। आज इस देश का मजदूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि 2015 से उसकी तनख्वाहों में सिर्फ 22% इजाफा हुआ है मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम से 50% इजाफा हुआ है। सर देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए, कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा, वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश का नौजवान मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता और मेरी उसमें इजाफा होता है। पीएलएफएस सर्वे कहता है कि 42% से आज 45.6% नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार जानती है कि नरेगा में फाइनेंशियल ईयर 22 में 8 महीने में 90 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बर्बादी को बताता है। क्यों आपने अब तक 15 रियासतों को 4,700 करोड़ रुपये बकाया नहीं दिया नरेगा। सर वहीं पर एक फौजी टूटे दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया इसीलिए आपने अग्निवीर को लाया। आज वो सिपाही का दिल टूटा हुआ है जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फौजों के खिलाफ आंखें आंखें डालकर खड़ा हुआ था, आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और अग्निवीर देश के नौजवानों को मुखदर बनाकर देश की सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है। देश के मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते हैं देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने हमारे किताबों पर पेंसिल पर पेन पर 18% GST क्यों लगा दिया। सर देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हमने कानून बनाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 6% के दरमियान होगा, आखिर क्यों वो 7% हो गया, WPI 15% हो गया। सर देश के 40 करोड़ गरीब से गरीब देश के प्रधानमंत्री को खुलकर जवाब दे रहे हैं और पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इन्फ्लेशन करप्शन के बराबर है। वो 40 करोड़ गरीब देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आपकी सरकार में और यूपीए की सरकार में कोई फर्क नहीं है, इन्फ्लेशन उनकी नजर में करप्शन है। सर देश के गरीब आदमी जो 95% FDs में डालते हैं वो देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार के गलत फैसलों से 7% इन्फ्लेशन की वजह से वो 3.5% पर एनम उनको लॉस हो रहा है। सर वहीं पर देश के गरीब प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हम आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आटा बिस्किट टूथपेस्ट कम खरीद रहे हैं। देश के वो लोग जो कर्जों पर घर और गाड़ी लिए थे उनके 1% लोन इजाफा हो गया क्योंकि आपकी तरफ से गलत पॉलिसियों की वजह से RBI ने 0.9% बढ़ाया तो बैंक्स ने 1% बढ़ा दिया। इस देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 31 पैसे के लिए मुझे एसेट बैंक ऑफ इंडिया NOC नहीं देता है मगर आपकी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्टरों को 1,45,240 करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए बैड लोन के लिए। देश का गरीब देश के सर आई एम कंक्लूडिंग देश का गरीब देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा बड़ा सरमायादार है जिसका नाम ए से शुरू होता है, 14,000 करोड़ दिया जाता है, 12,000 करोड़ दिया जाता है,
एनपीए होता है, ये कब तक ये स्कैम होगा? देश को आप बेवकूफ बनाते रहेंगे सर। एफडी रेट्स 0.1% रिजन, बट बैंक्स इज मेकिंग 0.8%। व्हाट इज दिस? एंड इन कंक्लूजन सर, मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर ये इनकी पॉलिसी है सर, कंक्लूड कर रहा हूं, ये इनकी पॉलिसी सर, खत्म करें दिए, खत्म करें, ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे हैं, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए, आपको समझना पड़ेगा आज गरीब मायूस है सरकार से। थैंक यू सर। ऑनरेबल मेंबर श्री, ऑनरेबल मेंबर श्री।